अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर वाफियत से हों। हम जनाबे वली आ गए हैं स्टेशन पे और स्टेशन का हाल देख लें, आप लोगों के सामने है। और आप लोग बोलते होंगे कि जी वो जो ट्रेनों के अंदर वेस्टेज होता है वो कहाँ जाता है, ये पटरियों पे पड़ा हुआ है और कहाँ जाना है। ठीक है जनाब, तो यहाँ से जर्नी शुरू होती है। हम इस वक्त कराची सिटी स्टेशन पे हैं और आगे आगे देखते हैं होता है क्या। और अभी इस वक्त ट्रेन नहीं आई है, जैसे ही ट्रेन आ जाएगी तो उसके बाद आप लोगों को फर्दर अपडेट देता हूँ। दोस्तों ट्रेन आने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा आप लोगों को इस स्टेशन के एतराफ़ में क्या क्या चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ, प्लस स्टेशन का आप लोगों को दौरा कराता हूँ। ये है जी हबीब बैंक की वो बिल्डिंग जो कि कराची की सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे पहली और सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को लोग दूर दूर से पूरे पाकिस्तान से देखने के लिए आते थे और जनाबे वली जो है वो इस बिल्डिंग के पूरे मुल्क में चर्चे होते थे। और लेकिन उसके बाद ये बिल्डिंग बन गई मुस्लिम कमर्शियल बैंक, MCB बैंक, कराची की दूसरी बड़ी बिल्डिंग। और उसके बाद फिर इस बिल्डिंग के चर्चे बंद हो गए, लेकिन इस बिल्डिंग के कोई चर्चे नहीं करता। इन दोनों के बीच में ये जो आपको दो तीन हैंगर नज़र आ रहे हैं, ये जनाबे वली जो है वो यूनी सेंटर है, यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह का सारा सामान मिलता है। और ये है जी स्टेशन, यहाँ लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये एक मालगाड़ी जो है वो आ रही है स्टेशन पर, और यहाँ पर कुछ बोगियाँ खड़ी हुई हैं जो कि खड़ी ही हुई हैं। उसके अलावा जी इस साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म है और वहाँ से एक ट्रेन हल्की हल्की आती भी नज़र आ रही है या जाती भी नज़र आ रही है, बहरहाल कुछ करती भी नज़र आ रही है। तो ये है जी मालगाड़ी, और उसके साथ जी वो आगे बाहर का इंजन लगा हुआ है। और ये है जी स्टेशन का मुख्तसर सा दौरा। अब ट्रेन जब आएगी तो आप लोगों को फर्दर जो है वो कुछ और। ओह ये क्या हो रहा है। लीजिए जनाब, ये ट्रेन आ गई है और इस वक्त ये कराची सिटी स्टेशन पर मौजूद है, और ये यहाँ से चलेगी 7:30 बजे। और उसके बाद ये जी कैंट स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन का नाम देख लें, फरीद एक्सप्रेस। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल है। अंदर से भी आप लोगों को ट्रेन दिखाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त अंदर की जो है वो लाइटें बंद है। लीजिए नाज़रीन, आपको ले चलते हैं ट्रेन के अंदर। और जब से मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, तब से बहुत बचपन से, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन तारीखी में डूबी हुई है, अब ऑन हुई है। ठीक है जी, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन आने के बाद लाइटें ऑन हुई हैं, एसी ऑन हुआ है। ये देखिए जी, ये है एसी डब्बा और ये चल रहे हैं यहाँ पर पंखे। बिल्कुल सन्नाटा है, अभी कोई रश नहीं है, स्कूल वगैरह खुल गए हैं, इसलिए अब ये मामलात हैं। बहरहाल जब मैं आया था तब अंधेरा था, अब जाके रोशनी आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रात को तो भाई हम सो गए थे और अभी सुबह खुली है। तो रात में वैसे भी क्या मैं आप लोगों को दिखाता, जिस स्टेशन पे भी गाड़ी रुकती थी सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। बहरहाल अभी हम जी पहुंच गए हैं कानपुर, और कानपुर पे जो है वो गाड़ी खड़ी हुई है इस वक्त। अब देखें
कानपुर की तख्ती दिखाता हूँ आप लोगों को, वो देखें जी कानपुर। तो इस वक्त गाड़ी कानपुर पे जो है वो रेस्ट कर रही है, जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगी तो फिर देखते हैं कि अगला स्टेशन कौन सा आता है। एक तख्ती ये भी लगी हुई है कानपुर। हेलो, ये जी ट्रेन आके रुक गई है लियाकतपुर, लेकिन कोई तख्ती नज़र नहीं आ रही लियाकतपुर की। जैसे ही कुछ वो दूर करके तख्ती लगी हुई है, तो बहरहाल ये है जी लियाकतपुर की सुबह, जो कि काफ़ी गर्म है, ठीक ठाक धूप है। और जी ट्रेन का हॉर्न बज गया और ट्रेन चलने लगी है। तो ये लियाकतपुर की दूसरी साइड आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। लियाकतपुर में भी डेवलपमेंट हो रही है। हाँ जी नाज़रीन, दोस्तों, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, तो ये हम पहुंच चुके हैं जी अब सम्मा सट्टा जंक्शन। और यहाँ पर गाड़ी आधा घंटा स्टे करेगी ऑलमोस्ट, और यहाँ क्या होगा गाड़ी के साथ वो भी दिखाते हैं आपको। बहरहाल जी हम पहुंच गए हैं सम्मा सट्टा, ठीक है जी। और ये स्टेशन का ये हाल है, ये देखें स्टेशन के एतराफ में ये सब कुछ है। और वो देखें जी गाड़ी में पानी फिलअप किया जा रहा है, बाथरूमों की सफाई की जाएगी और किसी हद तक गाड़ी की भी सफाई की जाएगी, इसलिए जो है वो यहाँ पर गाड़ी ऑलमोस्ट आधा घंटा स्टे करेगी। और लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि अब वीडियो वाला दौर चल रहा है ना। तो बहरहाल जी ये देखें, और उधर पीछे एक टूटा सा इलाका नज़र आ रहा है, वो भी शायद रेलवे की ज़मीन पे इन्होंने शायद घर बना लिए होंगे और वो तोड़ दिए गए। बहरहाल जी ये इस वक्त सिचुएशन ये है, ये गाड़ी जो है वो लेट है, यहाँ पर ये पहुँचती है 10 बजे, जो कि आज पहुँची है शायद 10:30-11 बजे, तो 1-1.5 घंटा गाड़ी वैसे लेट। ये जी देखिए पानी रिफिल किया जा रहा है, जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा पूरी गाड़ी में पानी भर दिया जाएगा, उसके बाद गाड़ी यहाँ से अगले सफ़र पर रवाना हो जाएगी। ट्रेन चल रही है जोरों शोरों से, मच गर्मी आउट देयर, सो बेटर टू स्टे इन द ट्रेन। ये जी लोधरा से ट्रेन चल पड़ी है और अब जनाबे वाली जो है आगे देखें कौन सा स्टेशन आता है। मेरे ख्याल अगला स्टेशन करोड़ पक्का आएगा, मतलब 1 करोड़ पक्का। जिन लोगों के छोटे प्लाट हैं उन लोगों के करोड़ पक्के। स्टेशन तो ये भी अच्छा है,
स्टेशन की मस्जिद। वाह माशाल्लाह, जंक्शन ख़त्म हुआ। अब जनाब अली ये ट्रेन जो है वो आगे और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। बहुत करो नज़ारे, गर्मी के नज़ारे। खूबसूरत दरख्त हैं, कल यहाँ बारिश हुई थी इसलिए ये धुले हुए हैं। जा रहे हैं घर, मंजिल पर पहुंच गए हैं और अब बाइक पे बैठे हुए घर जा रहे हैं।